नमस्कार दोस्तों, के पी साइड में आप सभी स्वागत करता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हीरो कंपनी के तरफ से परमानेंट भर्ती निकल के आ चुके, जिसमें आईटी डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए ऑनरोल भर्ती निकल के आ चुके 2024 में। और मैं आप लोग को बता दूँ, हीरो कंपनी में ऐसा पहले बार भर्ती निकाली है जिसमें आप लोगों को 32,000 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जा रहा है, उसके साथ आपको इसमें ऑनरोल जॉब दिया जाएगा। ठीक है, आप देखिए जितने भी कैंडिडेट के यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है सभी को तो परमानेंट नहीं होने का मौका मिलेगा, कुछ ही स्टूडेंट के इसमें परमानेंट होंगे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लेकिन पहले आपका सिलेक्शन होगा, आप वहाँ पे जॉब करेंगे, आप अपना जो है बेस्ट देंगे, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तभी जाके आपको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, तो पहले सिलेक्शन के बारे में सोचिए, बाद में आप परमानेंट अपने आप हो जाएंगे अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा तो। ठीक है, इस कंपनी में ड्यूटी 8 घंटे 26 दिन चलती है। उसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पे कैंटीन, बस, PF, ESI ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। 8 घंटे 26 दिन में ही ये आपको 32,000 रुपये सैलरी मिलने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट हीरो कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा डायरेक्ट HR का। HR का नंबर कोई भी नहीं आपको देगा, लेकिन मैं आपको HR का कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, जिस नंबर पर दोस्तों और भी ज़्यादा आप लोग जानकारी ले सकते हैं और उससे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, और उस HR का नंबर आप लोग सेव करके भी रह सकते हैं, ताकि अगर बाद में कोई वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं कि अभी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी सभी राज्यों के स्टूडेंट इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा जॉब इन्फॉर्मेशन का वीडियो आप लोग लेके आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने ग्रुप पर भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई करके अभी 32,000 तक सैलरी का जॉब पा सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो KPSIT यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और एक ज़रूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं, देखिए आप अगर KPSIT यूट्यूब चैनल से बने रहते हैं तो आपको 100% जॉब मिलेगा। कहीं पे भी आपको अगर जॉब नहीं मिल रहा, आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, चाहे आप अनपढ़ भी हैं, 10th की हैं, 12th की हैं, IT के हैं, डिप्लोमा के हैं, BTech हैं, ग्रेजुएशन हैं, जो भी के हैं, आपको अगर कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रहा तो आप KPSIT यूट्यूब चैनल से बने रहे, आपको 100% जॉब मिलेगा। ठीक है ना, सिर्फ आपको करना क्या है, जितने भी KPSIT यूट्यूब चैनल पर वीडियो आएगा सारे वीडियो को आपको देखना है, या पुराना वाला वीडियो भी आपको देखना है। ठीक है ना, उनमें से किसी भी कंपनी में अगर आपको करना होगा तो मुझे WhatsApp पर जाइएगा और मैसेज कर दीजिएगा। मेरा WhatsApp नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से जाके नंबर निकाल के आप लोग सेव करके रखिएगा KPSIT नाम में। ठीक है, और वहाँ पे मैसेज कीजिएगा। लेकिन पहले आपको क्या करना है, कम से कम आपको 7 डेज लगातार वीडियो देखना है, 7 डेज का जितने भी वीडियो डालूंगा सारे वीडियो को देखना है। वीडियो के अंदर मैं कॉन्टैक्ट नंबर, डेट और एड्रेस तीनों चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है ना, तो कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके उस डेट को, उस एड्रेस को आप लोग पहुंच जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगा। घर बैठे आपको जॉब नहीं मिलने वाला, आपको जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तभी जाके आपको जॉब मिलेगा। उसके साथ हैवल्स कंपनी का हो गया, डिक्सन हो गया, बजाज मोटर्स हो गया, इन सब कंपनी में अगर आपको जॉब करना है तो उसके लिए मैं और एक HR का नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिस नंबर पे आप लोग संपर्क करके, और हैवल्स कंपनी में, डिक्सन कंपनी नोएडा में जो है, जो बजाज मोटर्स कंपनी मानेसर में है उसमें अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको फ़िलहाल उसमें भी जॉब मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है जिसमें जो है मैं आप लोगों को परमानेंट जॉब देता हूँ। ठीक है, तो 3-4 कंपनी का नाम मैं बता रहा हूँ जिसमें मैं परमानेंट जॉब दे रहा हूँ। तो सबसे पहला कंपनी है महिंद्रा CI ऑटोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये जो कंपनी है हरिद्वार उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आप लोग जॉब लोकेशन भी हरिद्वार उत्तराखंड में रहने वाला है, वहाँ पे भी हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कंपनी का जो है प्लान है। कंपनी का नाम मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो कंपनी का नाम है वो हायर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये जो कंपनी है दोस्तों नोएडा में है, तो आप लोग जॉब लोकेशन भी नोएडा में रहने वाला है। ठीक है, इसका पुणे में भी एक प्लांट है, तो इसमें भी अगर किसी को करना होगा तो उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एक तो हो गया महिंद्रा CI ऑटोमेटिक, दूसरा हो गया जो हायर, तीसरी जो कंपनी बता रहा हूँ वो जो कंपनी है वो आपका डाइकन एयर कंडीशन प्लांट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये जो कंपनी है निमनार राजस्थान में है, पुणे में है, गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएंगे रिवाड़ी हरियाणा में, मतलब 4 लोकेशन पे इसका जो है प्लांट है डाइकन कंपनी का। ये एक जापानी कंपनी है, इसमें भी परमानेंट भर्ती है, किसी को करना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ जो है एयरपोर्ट पे भी भर्ती चल रही है, जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ AI एयरपोर्ट पर, लखनऊ, देहली और जयपुर। ठीक है,
तो इन सब कंपनी में अगर आपको करना हो तो मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैसेज करने से पहले आपको जो मैं इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जाकर पहले वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही मैसेज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता दिया तो डायरेक्टली आपको मैसेज करना शुरू कर दिए। उसके बाद इसमें अप्लाई कीजिए हीरो कंपनी में। हीरो कंपनी में अप्लाई करने के बाद भी अगर आप लोगों का नहीं होता है तब जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को हीरो कंपनी में भी करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आईटी एंड डिप्लोमा पास ओनली, उसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को मैं हीरो कंपनी में नहीं करा सकता हूँ। बाकी जो मैं ये सब कंपनी को बताया उसमें 10th 12th आईटी डिप्लोमा बीटेक वगैरह जो भी किए सभी के लिए उसमें रिक्वायरमेंट है, सभी को मैं करा सकता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं हीरो कंपनी का जो ऑफिशियल बैनर जारी किया गया उस बैनर पर चल के मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो मेरे साथ साथ इसके बैनर को भी अच्छे से पढ़ना समझना, फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको इसमें जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसके ऑफिशियल बैनर पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पा चुके। तो यहाँ पे जैसे बता कि हीरो मोटोकॉर्प फिलहाल गुजरात प्लांट द्वारा ये रिक्वायरमेंट निकाला गया है, जिसमें फिलहाल जो है डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए भर्ती निकाला गया, जिसमें डिप्लोमा ट्रेनर वैकेंसी निकाला गया, ठीक है ना। तो फिलहाल आईटी पास स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन और एक फॉर्म है जिसमें आईटी पास स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जो आईटी पास स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं आप लोग भी लास्ट तक बने रहें, मैं लास्ट में वो बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल डिप्लोमा पास स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत ही काम आता है। आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं अगर नहीं आपका सिलेक्शन होता तो फिर मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिए, मैं आपको इसमें करा दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसमें देख लीजिए क्या बताया गया कि वी हैव सम अर्जेंट डिप्लोमा ट्रेनर वैकेंसी फॉर हीरो मोटोकॉर्प गुजरात हेलर प्लांट द्वारा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज सबमिट योर डिटेल्स इन द फॉलोइंग फॉर्म, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे फॉर्म पे बताया गया है, एप्लीकेशन पे बताया गया, उसे फॉलो कीजिए, उसके बाद इसमें आप लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ यू आर एलिजिबल पर क्राइटेरिया गिवन बिलो आवर टीम, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट योर फ्यूचर प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबल कैटेगरी हम लोग जान लेते हैं। तो एलिजिबल कैटेगरी यहाँ पे देखिए, आपको इसमें अप्लाई करने के लिए 18 से 25 साल के बीच एज होना चाहिए, और भी मेल कैंडिडेट के लिए भर्ती निकाला गया, कोई भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे बताया गया कि डोमिसियल बताया गया कि ओनली गुजरात स्टेट कैंडिडेट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ जो है गुजरात के स्टूडेंट ही फिलहाल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप किसी भी स्टेट से, आप अगर अदर स्टेट से भी है फिर भी आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो मैं HR का नंबर बताऊंगा उस पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट का नाम लिख के आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट उसमें जो है मैसेज वगैरह कीजिएगा ना, आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, चाहे वो अदर स्टेट से भी क्यों ना हो, ठीक है। हो सकता है आपका स्टेट में इंटरव्यू ना हो, लेकिन अगला आपको इंटरव्यू डेट बताया जाएगा। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से 3 ईयर मतलब फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती है। डिप्लोमा पासिंग ईयर पे दे दिया गया 2020-21-22 और 23 पास आउट स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट 4 ईयर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है ब्रांच वगैरह दे दिए गए, तो ब्रांच वगैरह देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे बताया मैकेनिकल ब्रांच वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, ऑटोमोबाइल वाले और मेंटेनेंस वाले यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कैंडिडेट वो हैव कम्प्लीटेड डिप्लोमा आफ्टर ITI आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि IT कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। कैंडिडेट पासिंग BA BTEC आफ्टर डिप्लोमा आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। तो आप अगर BA BTEC वाले हैं, ठीक है ना, तो फिर भी आपको इसमें नहीं लिया जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, साफ साफ बता दिया गया है। सैलरी डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। तो सैलरी देखिए इन एंड आपको 21,000 रुपये आ जाएगा। सिटी सैलरी यहाँ पे 32,000 रुपये बताया गया, जो कि मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। अदर बेनिफिट्स आपको PFESI कैंटीन ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ से कहाँ आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलने वाला यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है ना। अब आपको जो जॉब करना पड़ेगा वो डिपार्टमेंट आपको दे दिया गया है, किस किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया प्रोडक्शन क्वालिटी और मेंटेनेंस में आपको जॉब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों ही डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो है डिप्लोमा वालों के लिए एक तो ऑनरोल भर्ती बहुत ही कम निकलती है हीरो कंपनी में, और इस बार निकली है तो इस बार आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, जरूर आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होने वाला है, कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फाइनल इंटरव्यू विल वेट हीरो मोटोकॉर्प प्लांट हेलोल पंचमहल आपको जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे दो आपका इंटरव्यू होने वाला है। पहला इंटरव्यू जो आपका होगा टेलीफोन में होगा, दूसरा आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा।
ज्वाइनिंग एंड मेडिकल आफ्टर सिलेक्शन, मतलब ज्वाइनिंग जो होगा मेडिकल वगैरह हो जाएगा उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद एट हीरो मोटर का प्लांट एट हेलल पंचमहल में ही आपको जॉब लोकेशन दिया जाएगा। कैंडिडेट फ्रॉम गुजरात नीड टू अप्लाई ओनली, अदर स्टेट कैंडिडेट नीड नॉट अप्लाई। ठीक है, तो अदर स्टूडेंट को यहाँ बताया गया है कि अदर स्टेट वाले अभी अप्लाई ना करें, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। जो एचआर का नंबर मैं बताऊँगा उस पर आप लोग संपर्क करके फिर आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर हो सके आपको लिया जा सकेगा, ठीक है। अलग इंटरव्यू डेट फिक्स करके, इस डेट पे भला ना हो, ठीक है ना, क्योंकि पिछले बार भी एक बार ऐसा ही भर्ती निकला था, उसमें बताया गया था, लेकिन अदर स्टेट वालों को भी लिया गया था, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, लेकिन ज़्यादा परेशान वगैरह नहीं करना है, समझदारी से आप लोगों को मैसेज करना है, कॉल करना है। ऐसा नहीं है कि नंबर मिल गया तो लगातार कॉल वगैरह करते रहेंगे, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझदारी से कीजिएगा तभी जाके आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। नीचे यहाँ पर फॉर्म दिया गया कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाकर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि गुजरात से हैं या अदर स्टेट से हैं, यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है, अगर यहाँ पे अदर स्टेट वालों को नहीं लेता तो यहाँ पे अदर स्टेट का ऑप्शन ही नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो फिलहाल जो है गुजरात कैंडिडेट को लिया जाएगा, लेकिन आप लोग अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग पास बाद में कॉल आए और आप लोगों को बुलाया जाए, ठीक है। यहाँ पे पासिंग एड वगैरह दे दिएगा, जो भी यहाँ पे डालना है सही से डालिएगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, यहाँ पर फॉर्म आराम से आप लोग भर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे जो है दोस्तों अपना जो है मोबाइल नंबर देकर सबमिट कर दीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुंच सके। कम से कम तो एचआर का नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, जिस पर आप लोग संपर्क वगैरह करके बाद में भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं अगर कभी भर्ती वगैरह निकले तो। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।